आमाल की का फायदा सामने हो। आप कोई भी अमल करें, मसलन आप बीमार की आदत के लिए जा रहे हैं, अब आपके दिमाग में क्या है, जाना तो पड़ेगा ना। बाद लोगों का कैसा होता है, जाना तो पड़ेगा, अपने को नहीं जाएंगे तो बुरा मानेंगे। तो हमारे अक्सर आमाल में क्या है, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। आदमी ये क्यों नहीं सोच सकता है कि मैं फलां बीमार की इयादत के लिए जाऊं, इसलिए कि ये सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। बीमार की इयादत के लिए जाऊं इसलिए कि हमदर्दी का काम है, और हमदर्दी अगर बंदों के ऊपर रहम इंसान करें, उनसे हमदर्दी करें, अल्लाह उस पर रहम करेगा। आदमी इसलिए क्यों नहीं जाए कि जब आदमी किसी बीमार की इयादत के लिए जाता है तो गोया कि वो जन्नत के बागों में है जब तक कि लौटता नहीं। एक आदमी बीमार की इयादत के लिए जाता है, वो अल्लाह का कुर्ब पाता है, वहां अल्लाह का कुर्ब उसको मिलता है। तो आदमी फजाइल उसके देखे, नमाज है, जिक्र है, तिलावत है, उसके फजाइल उसके सामने हो तो आदमी के लिए अमल क्या होता है, आसान होता है। उसके ऊपर अल्लाह क्या देने वाला है, हम पढ़ें रियादुस सालहीन किताब है मसलन, उसका मुताला करें, हम रोज़ाना एक बाब पढ़ें, आमाल की फजीलत क्या क्या है पढ़ें, उसमें हाफिज मुंजरी की किताब है अतरगीब व तरहीब, उसको हम पढ़ें। मैं समझता हूँ तर्जमा भी उसका हो गया है, उसको हम पढ़ें कि आमाल की क्या फजीलत है, उस फजीलत से रगबत पैदा होगी। माल की फजीलत मालूम है ना, उसकी तरगीब देने की ज़रूरत पड़ती है नहीं। जब आदमी के जहन में किसी चीज़ की फजीलत बैठ जाए, अमल करना आसान हो जाता है। कितना भागता है माल के लिए, क्योंकि माल का फ़ायदा उसको मालूम है। किसी के सामने आप बोल दो माल ज़रूरी नहीं है, क्या कहेगा, पागल हो गए, माल ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, उसको चुप बिठाना मुश्किल हो जाएगा, इतने फजाइल बयान करेगा वो, क्यों, उसके जहन में है माल होना ज़रूरी है, आमाल होना ज़रूरी नहीं। तो दुनिया का मुफलिस होना पसंद नहीं करता है, आखिरत का मुफलिस होना पसंद करता है। दुनिया में माल काम आएगा, आखिरत में आमाल काम आएंगे, बल्कि दुनिया में भी माल नहीं आमाल काम आते हैं। माल की एक हद है, लेकिन असल अल्लाह की मदद माल पर नहीं आमाल पर होती है।